नौकचिया ऐसा भागलपुर हमारा घंटाघर चौराहे पे हमारा दुकान है। जैसे वहाँ पता चला भाई नौकचिया नजदीक में अच्छा शहर है, तो वहाँ इसके लिए हम यहाँ आ गए। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। यहाँ बचपन से हर एक जो बचपना शुरुआत होता है वो खासकर मीठे में जलेबी से होता है। बिहार का सुप्रसिद्ध मिठाई है, साथ ही इन दिनों नौगछिया में भी चर्चे पर है। आपको लग रहा होगा कि जलेबी तो हर जगह मिलता है, हर जगह लोग खाते हैं, तो इसमें क्या चर्चे का क्या चीज़ है? तो जी हाँ, स्थिति ऐसा है कि नौगछिया में एक लंबी सफर तय कर एक दुकानदार एक कारीगर नौगछिया पहुंचे हैं और ये अपनी कारीगरी पहले भागलपुर में दिखाते थे, आजकल जो है नौगछिया में दिखा रहे हैं। नौगछिया में ये राजस्थानी जलेबी लेकर आए हैं। जी हाँ, राजस्थानी जलेबी सुनने में तो आपको कुछ लगे या ना लगे, लेकिन खाने के बाद स्वाद में कुछ आपको जरूर अलग लगेगा। हमारे जो बिहार में जो जलेबी बनती है वो काफ़ी मीठी होती है, काफ़ी मीठा होता है। मीठा के आनंद लेने के लिए और सस्ता में आनंद लेने के लिए लोग उसे ग्रहण करते हैं, खाते हैं। खासकर राष्ट्रीय पर्वों में तो ज़रूर मिलता है, लेकिन की खासियत है कि ये राजस्थान से आए हैं, राजस्थानी तरीके से ये जलेबी बनाते हैं। और हम अभी नौगछिया के स्टेशन रोड स्थित इनके राजस्थानी स्पेशल जलेबी के दुकान पर आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे बनता है जलेबी, क्या कहते हैं लोग खाने के बाद और क्यों है ये मशहूर। आइए दिखाते हैं आपको, ये राजस्थानी स्पेशल जलेबी में है और दुकान के जो प्रोप्राइटर हैं वो है हेमंत वैष्णव। हेमंत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीएस न्यूज में। हाँ जी, ये जलेबी बनाना आपने शुरू कर दिया है? हाँ जी। ये जरा पहले मैं कैमरा में चाहूंगा, हमारे साथ है धर्मेंद्र, कैमरा में दिखाएं कि ये जलेबी बनना शुरू हो गया है और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसको बनाया जाता है और कैसा होता है इसका स्वाद और क्यों है लोगों की जुबान पर। ये जलेबी बन रहा है जो हेमंत वैष्णव जी जो इस दुकान के मालिक हैं, दुकान के संचालक और कारीगर हैं, वो अपने हाथों से बना रहे हैं हमारे कैमरे के सामने। और हम प्रयास करते हैं आप लोगों को दिखाने का कि नौगछिया में भी राजस्थानी स्वाद पर जलेबी मिल रहा है। हेमंत जी, अब हम कुछ जानना चाहेंगे जो दर्शक हैं हमारे साथ, मतलब ये आप सबसे पहले तो आप बताएं कि आप कब आए हैं नौगछिया और कैसे आप नौगछिया? 2 साल हो गए सर हमारे को यहाँ आके नौगछिया में। अच्छा, ठीक है सर। आप कैसे नौगछिया को जाने, कैसे नौगछिया आए? नौगछिया ऐसा भागलपुर हमारा घंटाघर चौराहे पे हमारा दुकान है। जैसे वहाँ पता चला भाई नौगछिया नजदीक में अच्छा शहर है, तो वहाँ इसके लिए हम यहाँ आ गए और दुकान मिल गए हमारे को और 2 साल से ये बिजनेस अपना चालू है। अच्छा, यहाँ नौगछिया में आप कितने साल से जलेबी बना रहे हैं? 2 साल हो गए सर, ये 3रा साल चालू हो गया। ये 2 साल से आप बना रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, ये किस तरह बनाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है जलेबी? तो यहाँ मान लीजिए बरसों से बिक रहा है बिहार में। यहाँ तो अभी जैसे देखो कलई का वगैरह उड़ दाल का बनता है, हम तो खाली मैदे का बनाते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, अच्छा। और इसमें अपना जो हल्का खट्टा मीठा लगता है बस वही टेस्ट है। ये कैसे खट्टा मीठा लगता है, इसका क्या राज है? उसमें सर हम दही मिलाते हैं सर, ठीक है। अच्छा, ये राजस्थानी ही बनाने का तरीका है कि उसमें दही डाल के खट्टा किया जाता है? सर हर स्टेट में हमारा जो ऐसे ही खट्टा मीठा जलेबी चलता है, चाहे मध्य प्रदेश में चलो, हैदराबाद में चले जाओ, पंजाब में, उड़ीसा, कलकत्ता, कहीं भी चले जाओ, ऐसा ही बनाते हैं सर। लेकिन बिहार का जो बिहार का आपने जलेबी खाया है काफ़ी मीठा होता है वो? बहुत मीठा होता है सर, वो थोड़ा अलग टाइप में बनता है, जैसे देश वैसा वेश है। जैसे यहाँ देश में थोड़ा मीठा बनता है, हमारे उधर अलग बनता है, खट्टा मीठा बनता है। 2 साल से आप हैं, लोग काफ़ी प्यार करते हैं आपको? बहुत बहुत, इतना तो प्यार गाँव में भी नहीं है सर हमारे को। अच्छा, आप यही नौगछिया में ही रहते हैं या फिर आप जो है आकर व्यापार करते हैं और फिर चले जाते हैं? नहीं सर, यही रहता हूँ मैं, अगले अभी लॉकडाउन लग गया तो गाँव चले गए, नहीं तो यह परमानेंट यही रहते हैं सर। परमानेंट ही रहता है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है मतलब क्या समय है, लोग आपके पास किस समय आकर ज्यादा खरीदारी होती है, आपकी बिक्री होती है? हाँ, मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चालू रहता कस्टमर अपना। अच्छा, हर तरह के लोग आपके, हर बिरादरी, हर तरह के लोग आपके? बिल्कुल पास? बिल्कुल, हर लेवल के आदमी आते हैं यहाँ अपने पास। हाँ। अच्छा, नौगछिया के लोगों को कोई आप संदेशा देना चाहेंगे जो मतलब अभी आप के दुकान तक नहीं पहुँचे, उन्हें कोई आप संदेश? हाँ, ऐसे लोग अभी आए नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, जैसे ये देखते थे अभी छोटा दुकान है अपना, तो वो देखने में थोड़ा ये देख के जाते हैं भाई इसका भीड़ क्या लग रहा है। अब लोगों को लमसम 70% को लोगों को मालूम पड़ा, 70% 30% लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, 70% लोगों को मालूम गिर गया है, ये खाली देख के जाते हैं, अभी उन लोगों को मालूम नहीं, थोड़ा ये हो जाए। कितने आप किलो की बिक्री कर लेते हैं एक दिन? रोज का सर 50-60 किलो बिक्री है अभी तो। 50 किलो तक आप बेच लेते हैं, हर तरह के लोग खरीदते हैं? हाँ जी, हर तरह के लोग खरीदते हैं। आइए हम इस राजस्थानी जलेबी के स्वाद के बारे में और क्या कहते हैं यहाँ के लोग खाने के बाद उन्हें कैसा लगता है, इन सब पर आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं। तो आज के इस स्टोरी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज।
परिचय दें और बताएं कि कैसा है ये राजस्थानी जिलेबी नौगछिया में। जी सबसे पहला तो जीएस न्यूज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी को और जीएस न्यूज के सभी व्यूअर को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है, मेरे पास में ही स्टूडियो है और मैं डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हूँ। और आज क्या बहुत बचपन से ही हम लोग का तो राष्ट्र मिठाई जलेबी है ही। बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो झंडा फहराने के टाइम में जलेबी दिया जाता था, तो उस समय जलेबी लगता था चलो भाई जलेबी मिलता तो बहुत खुश होते थे। आज अचानक से इधर से हम क्रॉस कर रहे थे तो कोई आदमी बोला कि मेरा दोस्त है यहीं का, बोला कि यार तुमको चलो खट्टा जलेबी खिलाते हैं। मेरा तो मन शौक किया यार खट्टा जलेबी ये कौन सी बात है, तो हम सोचे चलो टेस्ट किया जाए। तो टेस्ट किए तो उनको बोले भाई इसमें नींबू उबू या बहुत पुराना उराना तो नहीं बना के खिला रहा, ये खट्टा वट्टा लग रहा। तो वो बोला नहीं हम राजस्थानी, ये राजस्थानी जलेबी है, बोला ये राजस्थानी जलेबी है। और जब हम इसको टेस्ट किए कसम से बड़ा मज़ा आया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए कि हमारे क्षेत्र से जितने मजदूर वगैरह बहुत सारे आदमी दूसरे जगह के जाके काम करते हैं, ये पहली बार हुआ ऐसा कि राजस्थान के आदमी आके मेरे नौगछिया छोटे से शहर में आके वो अपना बिजनेस करते हैं। बहुत 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 दिल को सुकून मिलता है, चलो मेरे पास भी आदमी आते और यहाँ पे अपना जो भी चीज़ है बेचते हैं। और जलेबी इनका खासा ही खाने में बहुत मज़ा आया और कसम से आप भी कभी आइए और यहाँ पे ये उदय नवगछिया स्टेशन रोड के बगल में ही ये उदय कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे इनका जलेबी का राजस्थानी जलेबी का बहुत अच्छा सा काउंटर लगा के रखा हुआ और बड़ा मज़ा आता है गरम गरम जलेबी खाने। वाह दिल खुश हो गया आज मकर संक्रांति पे। पहले आप इनकी जलेबी खरीदे हैं खाए हैं? हम रेगुलर कस्टमर हैं इनके। कैसा लगता है खाने में? बढ़िया है इसलिए तो रेगुलर आते हैं। मतलब कैसा स्वाद है? और बिहार की सुप्रसिद्ध मिठाई है जलेबी, क्या है इनके पास, क्या ऐसा लगता है जलेबी जो आप यहाँ? जलेबी थोड़ा सा अब कड़क रहता है, मतलब ज़्यादा देर तक आप रख सकते हैं। अच्छा, और स्वाद में भी खट्टा लगता है? स्वाद में थोड़ा सा डिफरेंस है अपने से, अब यहाँ के लोकल जलेबी से और इनमें से। ये इतने दूर से लंबे दूरी से यहाँ कर दुकान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप नौगछिया वासियों के लिए? हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर आए इनके पास, अगर ये इतने दूर से ये सोच के आए हैं यहाँ कि मेरा दुकान चले, तो कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि ये अगर यहाँ दुकान कर रहे हैं तो ज़रूर इनका खरीदे आके। और हम तो चाहते खाते हैं और दूसरों को भी कहना चाहते हैं कि अच्छा जलेबी बनाता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और बताएं कि कैसा? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, स्टेशन रोड में हमारी दुकान है जी। बस राजस्थानी जलेबी के आगे में जी। और इनका जलेबी जो है बहुत सुप्रसिद्ध है और सब आदमी चाव से इनका जलेबी जो है डेली शाम में आते हैं नाश्ता के बहाने से ही और जलेबी इनका चाव से खाते हैं। बहुत सुंदर जलेबी बनाते हैं और गर्मा गर्म जलेबी इनका मिलता है। राजस्थान से नौगछिया पहुँचे हैं, कैसा लगता है नौगछिया शहरवासियों को? नौगछिया शहरवासियों को बहुत अच्छा लगता है और शाम का जो है नाश्ता ये राजस्थान से आके सबको अभी करवा रहे हैं और बहुत सुंदर लगता है जलेबी खाने में शाम में। यहाँ के जलेबी खाकर हम 12 नंबर पार्षद हैं जी अभी नौगछिया में, और यहाँ का जलेबी जो इनका जो राजस्थान के आए हुए हैं तो यह जो है जलेबी इनका साफ सुथरा रहता है, सब चीज़ इसका साफ सुथरा है और खट्टा मीठा का अंश है जलेबी में और शुगर फ्री भी जलेबी देते हैं, बहुत अच्छे लायक हैं जलेबी, इसलिए हम लोग इसको पसंद करके खाते भी हैं। इतने लंबी दूरी से यहाँ नौगछिया में व्यापार कर रहे हैं, वासियों को कैसा लग रहा है? सब वासियों को लगभग नौगछिया वासी को अच्छा लग रहा है और खासता इसका जलेबी बनता है, बढ़िया बनता है। सफाई नाम का तो इनमें हद है, कढ़ाई जो साफ करता है वो हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सफाई करके जो है ये काम करते हैं।